हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में आपको क्या क्या लिखना होता है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी लाइफ में बहुत बार काम आने वाली है, स्पेशली जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी DU के जो कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो बच्चों को उसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की ज़रूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कैसे निकालनी है, उसमें क्या क्या लिखना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होता क्या है। ये कुछ नहीं होता, सिंपली आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं लेती हूँ डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट है। आपको सिंपली उसका फ़ोटोकॉपी करवाना है और उसके नीचे आपको लिख देना है कि एक तो आपका नेम आएगा, सिग्नेचर, एंड आपने उसको कब सबमिट करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को आज अटैच कर रहे हो तो उसमें आज की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रॉपर लिख के बताऊँगी कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी निकालनी है, उसको आपको प्रिंट आउट, आपको फ़ोटो कॉपी उसकी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है। अब डॉक्यूमेंट आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम मान लेते हैं, तो ये आपका डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप मान लीजिए ये आपकी 12th का डॉक्यूमेंट है, आपकी 12th की मार्कशीट है। तो सिंपली आपको डॉक्यूमेंट है, इसमें आपका नेम, क्लास एंड आपका रोल नंबर लिखा होगा और फिर आपके मार्क्स लिखे होंगे, जैसे कि होते हैं मार्कशीट में। अब सिंपली इसका आपको फ़ोटोकॉपी करवाना है और फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद इसके नीचे जो स्पेस होता है वहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड बाय, फिर अपना नेम, लाइक किसी का नेम है अगर रिया तो अपना नेम लिखेगी, ठीक है। और नेम के नीचे फिर आपको लिखना है कि आपने उसको किस डेट पे सबमिट करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज डेट है 3rd of August, तो लिख देना ऐसे 3rd August 8 and 2021। सो ये आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। आपको इसको फिर सिंपली जहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है वहाँ पे अटैच कर देना है। सो यही था आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।